let us. Hello student, now we read English of class 4th, lesson number 1, who has seen the wind. चैप्टर का मतलब पहले समझो. हु मतलब कौन, सीन मतलब देखना, विंड मतलब हवा, यानी हवा को किसने देखा है. हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है. नाइदर आई नॉर यू, नाइदर मतलब होता है न तो, आई मतलब मैं, न तो मैंने, और नॉर यू न तो तुमने. बट वेन द लिप्स हैंग ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कांपना, लेकिन यहाँ ट्रेम्बलिंग का अर्थ हो जाएगा हिलना. बट वेन द लिप्स हैंग ट्रेम्बलिंग, लेकिन जो पत्तियाँ कहाँ होती हैं, पेड़ पौधों में पत्तियाँ होती हैं, जो पेड़ पौधों में पत्तियाँ टंगी हुई होती हैं. बट वेन द लिप्स हैंग ट्रेम्बलिंग द वाइंड इज पासिंग थ्रू, जब वो पत्तियाँ पेड़ में टंगी हुई पत्तियाँ हिलने लगती हैं, द वाइंड इज पासिंग थ्रू, तब हवा वहाँ से क्या होती है, गुजरती है. नेक्स्ट पैराग्राफ, हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है. नाइदर यू नॉर आई, ना तो मैंने ना तो तुमने. बट वेन द ट्रीज बो डाउन देयर हिट्स, लेकिन जब ट्री मतलब पेड़ बो डाउन झुकाना, देयर हिट्स यानी अपना सर, अब उनका सर, पौधों का सर का मतलब जो उनका सबसे ऊपरी सिरा होता है वही. बट वेन द ट्रीज बो डाउन देयर हिट्स, लेकिन जब पेड़ अपना सर झुकाती हैं या हिलाती हैं, द विंड इज पासिंग बाई, तो हवा वहाँ से क्या होती है, गुजरती है. ओ विंड वाई डू यू नेवर रेस्ट, ओ हवा या ए हवा वाई डू यू नेवर रेस्ट, आप कभी आराम क्यों नहीं करते हो. वंडरिंग विशिंग टू एंड फ्रो, वंडरिंग मतलब होता है घूमना या भटकना, इधर उधर भटकते हो, विसलिंग सीटी बजाते हो. अब सीटी बजाने का मतलब ये हुआ कि हवा जब काफ़ी तेज बहती है, काफ़ी तेज चलती है, तो हवा में तो उसमें से एक आवाज़ आता है, तो राइटर ने उसी आवाज़ को यहाँ सीटी का मतलब दे दिया. वंडरिंग यानी भटकना है, घूमना, विसलिंग यानी सीटी बजाना, एंड फ्रो मतलब होता है जमना. ब्रिंगिंग रेन आउट ऑफ द वेस्ट, पश्चिम, वेस्ट मतलब होता है पश्चिम, पश्चिम से हवा हमारे लिए क्या रहती है, बारिश लाती है. फ्रॉम द डीम नॉर्थ, नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, और डीम का मतलब यहाँ पे होता है, ये होता है नमी. अब उत्तर और नमी का मतलब यानी जो हिमालय पर्वत की तरफ से जो हवाएं चलती हैं, हमारा हिमालय पर्वत कहाँ है, उत्तर में है, तो जो उधर से हवाएं चलती हैं, ब्रिंगिंग स्नो, वो स्नो मतलब होता है बर्फ, वो उधर से ठंडी ठंडी हवाएं लाती हैं. फिर एक बार इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे. हु हैज सीन विंड, हवा को किसने देखा है. नाइदर आई नॉर यू, ना तो मैंने ना तो तुमने. बट वेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग, लेकिन जब पेड़ में लगी हुई पत्तियां कांपती हैं या हिलती हैं, द वाइंड इज पासिंग थ्रू, तो हवा वहां से क्या होती है, गुजरती है. हु हैज सीन द विंड, विंड हवा को किसने देखा है. नाइदर यू नॉर आई, ना तो तुमने ना तो हमने ना तो मैंने. बट वेन द ट्रीज बो डाउन देयर लिप्स देयर हिट्स, लेकिन जब पौधे या पेड़ अपना सर झुकाते हैं या हिलाते हैं, द विंड इज पासिंग बाई, तो हवा वहाँ से क्या होती है, गुजरती है. ओ विंड ए हवा वाई डू यू नेवर रेस्ट, आप कभी आराम क्यों नहीं करते हो. वंडरिंग विसलिंग टू एंड फ्रो, वंडरिंग मतलब क्या होता है, घूमना या भटकना, विसलिंग मतलब सीटी बजाना, और फ्रो मतलब जमना. ब्रिंगिंग रेन आउट ऑफ द वेस्ट, आप हमारे लिए पश्चिम से क्या करते हो, बारिश लाते हो. फ्रॉम द डीम नॉर्थ ब्रिंगिंग स्नो, और उत्तर से क्या लाते हो, बर्फ लाते हो या ताजी ताजी हवा लाते हो. तो इस चैप्टर का मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ, हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है. जिस तरह हवा हमेशा अनवरत लगातार अपना काम करती हुई रहती है, थकती नहीं है, जैसे यहाँ पे एक लाइन दिया है, वाई डू यू नेवर रेस्ट, कि हवा तुम क्यों आराम कभी नहीं करती हो या करते हो. तो इसी तरह हम लोगों को भी हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए, अपनी तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए. थैंक यू.